टीम इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप कैंपेन में कपिल देव का महत्वपूर्ण रोल था। करो या मरो के मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की बेहतरीन पारी खेली और इस पारी के बाद टीम इंडिया ने मुड़कर नहीं देखा। साल 1983 वर्ल्ड कप विजय का हिस्सा रहे लगभग सभी प्लेयर्स का मानना है कि उस पारी के चलते ही भारत 83 का वर्ल्ड कप जीत पाया। 83 वर्ल्ड कप जीत के 38 साल पूरे होने पर आज तक के विक्रांत गुप्ता से बात करते हुए कपिल देव ने कहा, सेल्फ बिलीव बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे मैचेस हो रहे थे। पहला मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट था, वेस्ट इंडीज़ पहली बार इंग्लैंड में किसी टीम से हारी थी, वही बहुत बड़ी बात थी। तो सेल्फ बिलीव जब टीम में बढ़ जाता है तो एक थॉट प्रोसेस चेंज होते ही आपकी पूरी गेम बदल जाती है। हाँ, वो भी था, चैम्सफेड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे जिमी ने बोला या सैनी ने, सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट था। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हाँ, बैक ऑफ आवर माइंड था कि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, आज हम जो मर्जी बोले हमारी टीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था वनडे क्रिकेट का, लेकिन हमारे टीम में एबिलिटी थी, वो किसी टीम को भी हरा सकती थी, इतना जरूर था। कपिल की इस पारी को सिर्फ मैदान में बैठे लोग ही देख पाए थे। बीबीसी की हड़ताल के चलते इसका आज भी कोई वीडियो नहीं है। इस पारी को मिस करने वालों की लिस्ट में दिग्गज दिलीप वेंगसरकर भी शामिल थे। इस मैच के वक्त चोटिल दिलीप हॉस्पिटल में थे। इस पारी से जुड़ा अपना अनुभव साझा करते हुए दिलीप ने कहा, 18 for 5 विकेट्स और उसके बाद जो इनिंग खेली इन्होंने, अरे इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक एवरीबडी हैड सीन। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था बिकॉज आई वॉज इंजर्ड, आई वॉज इन हॉस्पिटल इन लंडन, लेकिन अरे वो इनिंग के बारे में अरे एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। अभी भी जो शो हो गया उसके बारे में भी वही बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी। और कपिल ने अपनी 175 की पारी के दौरान सैयद किरमानी और रोजर बिन्नी के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां की थी। इवेंट में ये दोनों भी मौजूद थे। कपिल की इस पारी के बारे में बात करते हुए किरमानी ने कहा, मैं अंदर चल रहा था टू गिव सपोर्ट टू कपिल देव, तो हमने जाके वहाँ पे ये कहा कि कैप्स हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि डू और डाई सिचुएशन पे हैं और हमको यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं है, हमको मार के मरना है। ठीक है, मैं एक डिलीवरी खेलूँगा, आप 5 डिलीवरी खेलेंगे और मैं 1 रन लेके आपको बाकी का स्टैंड दे दूंगा एंड यू आर द बेस्ट हिटर ऑफ द इंडियन टीम एंड यू विल हिट एवरी 5 डिलीवरीज यू विल हिट। तो वहाँ से जिस तरीके से कपिल देव ने खेला, 175 जो उन्होंने स्कोर किया है, आज तक कोई खिलाड़ी के बल्ले से ऐसी इनिंग्स नहीं देखा उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसिस में। The bowlers didn't know where to pitch the ball. So hats off to you, Kapil Dev. रुलाओगे क्या किरमिया? इस पारी में कपिल के साथ अच्छी साझेदारी करने वाले बिन्नी अपनी यादें साझा करते हुए बोले, I didn't have much time to think because it happened so fast. Before I even put on my pads, I was already, you know, scrambling to get ready for that. And when I walked to the wicket, there was captain standing over there and waiting for me, and he says, just look at the scoreboard, you know, you've got 55 overs to play, so it's a long, many many balls, so don't try anything, let us play as many singles as we can. And that's what we did. I've never seen Kapil play a game like that. Normally he's more attacking, he's more aggressive, and that situation I don't think he hit a boundary when I was batting with him. We were running ones, twos, and you know, there's a big ground, so we could able to run 3 outs at times. So we just followed a pattern, and which the other two people also followed. And of course, Kirmani's and Kapil Dev's innings was totally different. बता दें कि कपिल की 175 रन की ये पारी वनडे में भारत के लिए पहली सेंचुरी थी। कपिल ने इसी वर्ल्ड कप में भारत के लिए वनडे का पहला 5 विकेट हॉल भी निकाला था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।